हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। और देखिए, आज हैंगिंग बास्केट्स तो बहुत लहलहा रही हैं और मैं भी एक ऐसे प्लांट की, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट में तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, ऐसे एक प्लांट से मिलवाने लाई हूँ। आई हूँ आपके पास और उसकी बातें भी करेंगे। और बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। देखिए, जैसे कि टर्टल वाइन है, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लगता है जब ये ग्रो होता है। बड़ी जल्दी से ग्रो हो जाता है, कहीं से भी आप कटिंग लाइए टर्टल वाइन की, फटाफट से ग्रो हो जाएगा। उसी तरह से एक और प्लांट है जो कि बहुत इजीली, इसको भी क्रीपिंग इंच प्लांट कहते हैं और कुछ लोग उसको भी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है टर्टल वाइन तो, और उसको भी क्रीपिंग इंच प्लांट भी कई लोग कहते हैं। वैसे इसका एक्चुअल नाम है बॉलीवियन ज्यू। देखिए इसकी लीव्स, देखिए एक के अंदर एक लीव है, पॉल लीफ है, बहुत सुंदर लगता है। और बहुत इजीली, देखिए इसके जो स्टेम्स हैं, इसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो इनकी रूट्स भी रहती हैं। आप कहीं से भी स्टेम काट तोड़िए, किसी तरह के भी पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिए, फटाफट से ग्रो हो जाएगा, बहुत सुंदर लगता है। मैं भी थोड़ा सा ही लाई थी, देखिए अभी मुश्किल से मुझे मतलब 20-25 डेज हुए हैं और देखिए कितना भर गया। और मुझे लगता है आने वाले और 20 दिन में ये सारा नीचे फॉल करने लगेगा और बहुत टर्टल वाइन की तरह ये भी बहुत सुंदर लगेगा जब नीचे और ज़्यादा फॉल करेगा। तो और इसको मैंने प्रोपिगेशन भी इसकी बताई कि किसी भी तरह से कोई भी स्टेम कटिंग करके आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको पॉट्स में भी लगा सकते हैं, कंटेनर में लगा सकते हैं आप, ग्राउंड कवर में भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसकी जो ब्यूटी है वो हैंगिंग बास्केट में आती है। मुझे भी बहुत सुंदर लगता है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सुंदर लगता है जब ये हैंगिंग बास्केट में बॉलीवियन ज्यू लगाते हैं और नीचे फॉल करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। वैसे अपने आप में ही ये प्लांट बहुत सुंदर है, इसकी लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए टर्टल वाइन भी मेरी बहुत लंबी हो रही है, नीचे फॉल करने लगी है, इसमें फूल भी आए हुए हैं। टर्टल वाइन में जो फ्लावर्स आते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और टर्टल वाइन तो लग ही रही है सुंदर। चलिए अब हम बार बार टर्टल वाइन पे पहुंच जाते हैं, तो अभी तो हम बॉलीवियन ज्यू पे ही रहते हैं और इसी की केयर टिप्स की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल जब हम पॉट में लगाएंगे तो सॉइल, देखिए आप वेल ड्रेन्ड कोई भी सॉइल ले लीजिए, आप गार्डन सॉइल कैसा भी पॉटिंग मिक्स होगा, ये बड़ा प्लांट इजीली ग्रो हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब हम हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो हमें बहुत ध्यान रखना है, एक तो कि हमारी जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत लाइट होना चाहिए। जब हम लाइट की बात करते हैं, क्योंकि इसको हैंग कराना है तो मैं कभी भी मिट्टी का इस्तेमाल इसमें नहीं करती, इसलिए मैं इसमें कोकोपीट डालती हूँ और अगर और कंपोस्ट डालती हूँ, कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, और पर लाइट डाल लीजिए, वर्मी क्यों लाइट डाल लीजिए, इससे आपका मिक्सचर जो है पॉटिंग मिक्स बहुत लाइट रहता है और वैसे भी कोकोपीट से मॉइस्चर बना रहता है। और इस तरह से हम अपनी हैंगिंग बास्केट, मैंने कई बार बताया जिस तरह से मैं बनाती हूँ हैंगिंग बास्केट, तो ये भी मैंने उसी तरह से बनाई है। तो ये तो हो गया इसका सॉइल की बात या पॉटिंग मिक्स की बात। अब हम इसके वाटर की बात करते हैं, तो जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना। जब ड्राई हो जाए, आपको लगे इसका पॉटिंग मिक्स या सॉइल या जो भी आपका पॉटिंग मीडिया है वो अगर ड्राई हो गया तभी दीजिए। जैसे टर्टल वाइन है, टैंगल्ड हार्ट है, देखिए ये टैंगल्ड हार्ट दिख रहा है आपको, ये सब भी सक्केलेंट हैं तो इनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो देखिए रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। और हमेशा रूट रॉट, देखिए जब भी रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो जनरली जो है वो ओवर वाटरिंग से ही होती है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जिस प्लांट को जितना पानी की ज़रूरत है और जब ज़रूरत है तभी पानी देना है। बस इतना सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स हरे भरे रहेंगे, क्योंकि उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं होगी।
और हम अभी सनलाइट की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, प्लीज़ सुमन की बगिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो बॉलीवियन जू हैंगिंग बास्केट में अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बॉलीवियन जू को, टर्टल वाइन को, टैंगल्ड हार्ट, ये जो बहुत इजी प्लांट्स हैं, कहीं से भी स्टेम दिखेगी लाएंगे और अपने घर में, अपनी बगिया में, अपने पॉट्स में, अपने कंटेनर्स में लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं सनलाइट की। तो जो हम सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट, तो इसको ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है, और मतलब डायरेक्ट वाली बिल्कुल सनलाइट जो है वो 12-1 बजे तक वाली धूप दे देंगे तो चलेगा, और बहुत ज़्यादा जब उसके बाद जब धूप आ जाती है डायरेक्ट, वो नहीं चलेगी। और इसके साथ साइमल्टेनियसली अगर आप इसको शेडी में रख देंगे तो भी ये लेगी हो जाएगा और प्लांट इतना अच्छा हमारा ग्रीन नहीं रहेगा और नहीं ग्रो कर पाएगा। इसका मतलब इसको सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, तो ज़रूर देनी पड़ेगी सनलाइट, ब्राइट सनलाइट देनी पड़ेगी। और जहाँ तक हम फंगस की बात करते हैं तो देखिए, इसमें फंगस का कोई, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई अटैक नहीं होता, तो इजीली ये चलता रहेगा। और अगर आप अपने प्लांट्स को नीम ऑयल स्प्रे दे रहे हैं तो दे दीजिए, इसको भी अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने देखा नहीं कभी इसमें फंगस का अटैक होता हो। हाँ, और जब हम हैंगिंग बास्केट्स की बात करते हैं, देखिए, तो उसमें एक ये फ़ायदा रहता है कि हमें फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम कोको पीट और कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वो एक फर्टिलाइज़र ही है, तो आसानी से अच्छे से ये चलता रहता है, साल एक कोई ज़रूरत नहीं होती फर्टिलाइज़र की। तो जब भी आप लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएं तो डाइल्यूट करके थोड़ा सा दे दीजिए, अगर नहीं भी देंगे तो भी इस प्लांट को इतनी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और बहुत खूबसूरत सा आपका बॉलीवियन ज्यू चलता रहेगा, जैसे मेरा चल रहा है। और जब ये भी हैंग मतलब फॉल करेगा और कैस्केडिंग इफ़ेक्ट देगा तो मैं फिर से आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी इससे। और अभी तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये अपने में ही, टर्टल वाइन और बॉलीवियन ज्यू। कई अगर आप इन दोनों की बास्केट मिक्स करके भी बनाएंगे, टर्टल वाइन और बॉलीवियन जू की, मैं भी ट्राई करूँगी, तो मैं आपसे मतलब दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, तो भी बहुत सुंदर लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि टर्टल वाइन और बॉलीवियन जू की बास्केट दोनों की मिक्स हुई हुई अच्छी लगेगी, क्योंकि क्रीपिंग इंच प्लांट दोनों को ही खा जाता है। तो चलिए, अब काफ़ी सारी बातें हो गई आपके साथ, और आज तो हैंगिंग बास्केट्स की ही, मेरा फेवरेट जो टॉपिक रहता है हैंगिंग बास्केट्स बनाना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और उसी की बातें की हमने। अब फिर आऊँगी, फिर बातें करूँगी, फिर एक नए प्लांट की बातें करेंगे। आज के लिए यहीं विदा लेती हूँ आप लोगों से। ओके, बाय फ्रेंड्स।